यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। और मंच पर किस खुशी के साथ बुलाया गया था निषाद समाज के लोगों को, उन्हें वादा किया गया था आपकी सब मांगे पूरी हो जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि निषाद समाज ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा, उन्हें अगर मंच पर भी चढ़ना पड़ा होगा तो मंच पर चढ़ गए और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। अखिलेश यादव अब धीरे धीरे निषाद समाज के वोटों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लखनऊ की रमाबाई में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था। आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने योगी और अमित शाह के सामने ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने इस मामले को तुरंत उठा दिया। मंच पर जो हंगामा हुआ, निषाद समाज के साथ जो धोखा हुआ, केवल निषाद समाज नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बड़ी संख्या में हमारे अगड़े लोग, ब्राह्मण समाज के साथ जो हुआ कौन नहीं जानता। और मंच पर किस खुशी के साथ बुलाया गया था निषाद समाज के लोगों को, उन्हें वादा किया गया था आपकी सब मांगे पूरी हो जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि निषाद समाज ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा, उन्हें अगर मंच पर भी चढ़ना पड़ा होगा तो मंच पर चढ़ गए और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। दिन रात लगे रहे उसमें कि ये खबर न चल जाए। बड़े बड़े अधिकारी लखनऊ से ये कोशिश करते रहे, दिल्ली तक दबाव बनाया कि ये खबरें न चल जाएं कि किस तरीके के निषाद समाज वहां पर अपने हक के लिए और अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। ये अनुपयोगी सरकार और कर भी क्या सकती थी। यही नहीं, उन्होंने निषाद पार्टी के अध्यक्ष के आईटी रेट के बदले बयान को दिल्ली का प्रेशर भी बताया। उनका वीडियो दिखा दो अगर किसी के पास हो। अगर संजय निषाद जी वाला, यही है चल रहा था, एक बार संजय निषाद जी वाला वीडियो चलवाइए। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर निषाद समाज काफी सक्रिय है। उनका कहना है कि आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। 72 घंटे में आरक्षण लिखवा दिया, जो हमारा संविधान में लिखा, हमको आरक्षण नहीं दे रही बीजेपी। लागू होने से पहले आरक्षण नहीं दिया जाता है निषाद समाज को, तो बीजेपी को वोट नहीं देगा। खुद संजय निषाद भी इसको लेकर आपत्ति जता चुके हैं। खुश इसलिए कि मेरा समाज मेरे नीति और मेरे कार्यों के मानकर अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने इस हमारे मांग को लेकर अपनी आवाज़ उठाने, बुलंद करने की शक्ति दिखाने के लिए इलेक्शन से पहले रैली हो और ठंडा को बिना खाए आ जाए, ये बहुत बढ़िया है, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। रही बात, बड़ी उम्मीद के साथ लोग आए थे कि सदियों से इनका एक मांग है कि जो हमारा संविधान में लिखा हुआ मझवार और तुरैया है, पिछली सरकारों ने उसे गोलमाल करके उन्हें हटा के उनके सरनेम को पिछड़े में डाल दिया, तो इसके वकालत माननीय योगी आदित्यनाथ करते रहे। उनके ढेर सारे दर्जनों वीडियो हैं, वो सड़क से सदन तक बोलते रहे। जो वकील खुद जज बन जाए और जज को हम मंच पर बुलाएं, जजमेंट सुनने के लिए सभी आतुर रहते थे, तो कम से कम कल बड़ा मायूस हुए और उस पर विरोध प्रदर्शन भी लोगों ने किया और कि मैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं है, आरक्षण नहीं तो आप गठबंधन तोड़ दो, तमाम ढेर सारी आक्रोश हमारे चीफ गेस्ट के सामने पैदा किया, हमें बड़ा खराब लगा। ये तो भविष्य ही बताएगा कि अखिलेश की बयानबाजी निषाद समाज को कितनी रास आती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।